हाँ मायके में तो मन लगेगा ही। तुम भी तो भूल ही जाती हो कि तुम्हारा हस्बैंड अकेला घर पर है। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, 100% सच। बस बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। बाय द वे मुन्ना कैसा? हाँ कंप्यूटर आ जाएगा। चलो बेबी बाय, गुड डे, शाम को फोन करता हूँ मैं। क्या हुआ साहब? नहीं कुछ नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। अंकल आपका ब्रीफकेस बाहर छूट गया था। वॉचमैन के पास रख दो, मैं ले लूंगा। साहब सारे कपड़े धो दिए, मैं जाती। तुम अभी मत जाओ।
सारा काम तो हो गया और घर में दूध पीता बच्चा भी है। मैं जाती। तुम नहीं जा सकती हो। नहीं, ये चिट्ठी, वो बाहर खड़ा है, तुम्हें मार डालेगा। मुझे क्यों कोई मारने लगा? तुम्हें नहीं मालूम, मौत कहीं से भी आ सकती है। उसका काम खत्म नहीं हुआ, अभी एक घंटा लगेगा। हाँ ठीक है। और जब ये असलियत मुझे मालूम हुई तो मैं खुद को रोक न सका। मैंने उसे मार डाला तड़पा तड़पा कर, उसका गला घोट कर। लेकिन गलती तो तुमने की है दोस्त बनकर, तुम्हारे लिए तो मौत की सजा भी कम है। मरते वक्त उसकी आंखों में जो तड़प मैंने देखी है वही तेरी आंखों में देखना चाहता हूं। 12 बजे तक मार डालूंगा तुझे। ट्रैफिक
अविनाश प्लीज मुझे एक ग्लास पानी। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, भूल गए हो क्या? क्या हुआ? आई लव यू संजू। आई लव यू टू। लेकिन तुम इतनी घबराए हुए क्यों लग रहे हो, क्या बात है? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तुम भी कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? अच्छा ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है? हेलो हेलो माफ कीजिएगा सर, मैं काफी देर से यहाँ कॉल बेल बजा रहा था, आपको परेशानी हुई होगी। लेकिन बात यह है कि सुबह जो लेटर मैं आपको दे गया था, एक्चुअल में वो लेटर आपका नहीं, अविनाश चतुर्वेदी का है, जो आपकी बगल वाली बिल्डिंग में है।